हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। मैजिक किचन आपके लिए लाता है हमेशा डिलीशियस रेसिपीज। तो डिलीशियस रेसिपी के लिए बने रहें मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ, बनाते रहिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपीज। सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा चैनल, बेल आइकन डेफिनेटली प्रेस कीजिएगा, और अच्छी अच्छी रेसिपी देखना है तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चले फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कौन सी रेसिपी लाए हैं, चले बनाते हैं आज की अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं फिर आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। ये है कोकोनट चॉकलेट कुकीज एंड सिंपल कोकोनट कुकीज, बटर कुकीज। बहुत ही डिलीशियस और बिल्कुल डिफरेंट है, और चॉकलेट ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट, मुंह में घुलने वाला। कोकोनट जिनको पसंद है उनको डेफिनेटली पसंद आएंगे ये कुकीज़। तो हमने दो तरह से बनाया है, एक हमने चॉकलेट डिप करके बनाया है, एक हमने प्लेन बटर कोकोनट कुकीज़ बनाया है। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो में हम टिप्स और ट्रिक्स के साथ शेयर करेंगे ये अमेजिंग डिलीशियस कोकोनट बटर कुकीज़ एंड चॉकलेट कोटेड कोकोनट बटर कुकीज। देखिए कितना डिलीशियस है और कितना यमी है, सॉफ्ट है, बहुत ही टेस्टी है। इसे आप पैक करके रख सकते हैं, ये महीनों तक खराब नहीं होता। एयरटाइट कंटेनर में आप पैक करके रखिए, बिल्कुल खराब नहीं होने वाला। और जब भी इवनिंग पार्टी हो या मॉर्निंग टाइम हो, आप इसे चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ ले सकते हैं। कोकोनट अपने आप में बहुत ही फ्लेवरफुल होता है, बहुत ही टेस्टी। तो ज़रूर बनाइएगा कोकोनट बटर कुकीज़ और चॉकलेट कोटेड कोकोनट बटर कुकीज़। आज हम आपको वीडियो में कंप्लीट टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताएंगे कि सॉफ्ट एंड स्वीट ये कोकोनट बटर कुकीज़ कैसे बनाते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और बनाइएगा हमारी ये अमेजिंग डिलीशियस डिफरेंट एंड यूनिक रेसिपी। है ना अमेजिंग और टेस्टी डिलीशियस, चले बनाते हैं। चले आओ फ्रेंड्स, बनाते हैं ये अमेजिंग डिलीशियस कोकोनट बटर कुकीज एंड चॉकलेट कोटेड कोकोनट कुकीज। तो हमने यहाँ पे डार्क चॉकलेट लिया है अमूल का, और यहाँ पे हमने ले लिए हैं इंग्रेडिएंट, सॉल्ट है, बेकिंग सोडा है, ऑल पर्पस फ्लावर है, सेमोलिना यानी सूजी है, देसी घी यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं बट हमने यूज़ किया है बटर, बिकॉज हम बना रहे हैं बटर कुकीज़। बेकिंग पाउडर है, सेमोलिना यानी सूजी है, और है कोकोनट, ये डेसिकेटेड कोकोनट है, और स्पेशल है डार्क चॉकलेट। ये सभी इंग्रेडिएंट है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते चलेंगे। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे बटर। तो ये देखिए, बटर को हम रूम टेम्परेचर पे लेंगे, बिल्कुल मेल्टेड भी नहीं और हार्ड भी नहीं। आप देख सकते हैं बटर कैसा है। तो ये हमने तकरीबन 250 ग्राम ले लिया है बटर। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 कप कैस्टर शुगर। यदि कैस्टर शुगर ना हो तो आप पीसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसे हमें हैंड विस्कर से विस्क करना है। तो हैंड ब्लेंडर हम यूज़ कर रहे हैं,
और इसको तब तक हम विस्क करेंगे जब तक कि ये झाग के फॉर्म में ना आ जाए। तो कुकीज बनाने में ये इम्पोर्टेंट होता है कि जो आप कैस्टर शुगर और बटर और घी में से जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसे आप रूम टेम्परेचर पे लें और इनको आप इतने अच्छे से ब्लेंड करें कि इसमें एयर भर जाए, यानी ये फ्लफी हो जाए। तो कुकीज आपका बेस्ट तभी बनेगा जब आप घी या बटर को इस तरह से अच्छे से विस्क कर लेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, 4 से 5 मिनट लगता है, अच्छे से आप इसको विस्क कर लें। तो देखिए हम बहुत अच्छे से बटर को फ्लफी कर रहे हैं ताकि ये कुकीज़ बहुत ही अमेजिंग बने। फ्रेंड्स ये प्योर वेज है, यानी इसमें एग यूज़ नहीं किया है, लेकिन यदि आप एग यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही ये फ्लफी हो जाए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं 1 एग का योक। तो देखिए कंप्लीटली इसे फ्लफी करना है, आप देख सकते हैं कितना फ्लफी हो गया है। ये इस तरह से हो जाए तब तक हमें इसे अच्छे से विस्क करना है। तो हैंड ब्लेंडर यूज किया है हमने और अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट है उसको हम अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। तो ड्राई इंग्रेडिएंट को छानना जरूरी है। तो सबसे पहले हमने लिया है 1/4 कप सेमोलिना यानी सूजी। तो सूजी को छान लेते हैं, वन बाय वन हम छानते चलेंगे। अब हमने यहाँ पे लिया है, ये देखिए तकरीबन 250 ग्राम ऑल पर्पस फ्लार यानी मैदा। तो 250 ग्राम हमने बटर लिया था तो 250 ग्राम ही हमने मैदा लिया है। अच्छे से छान लेंगे ताकि लम्स नहीं रहे। चलिए ऐड कर देते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट, वन फोर टीस्पून बेकिंग सोडा, इनको छान लेते हैं अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, तो ये हमने 1/2 टेबल स्पून ऐड किया। इसको भी अच्छे से छान लेंगे। तो सभी चीजों को छानना जरूरी है ताकि किसी तरह का लम्स नहीं हो। देखिए अच्छे से छान लिया हमने। अब हमने इसमें ऐड कर दिया 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट, तो इसको भी अच्छे से छान लेंगे। तो देखिए सभी चीजों को हमने अच्छे से छान लिया है। सभी चीजों को अच्छे से छान लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1/4 टीस्पून क्रश्ड ग्रीन कार्डमम। अब सभी चीजों को अच्छे से कर देंगे मिक्स। देखिए पहले स्पेचुला से मिक्स करेंगे। स्पेचुला से मिक्स करते वक्त आपको पता चल जाएगा कि जो इंग्रेडिएंट आपने सभी ऐड किए हैं वो परफेक्ट है या नहीं। यदि आपको लगे कि लिक्विड ही हो रहा है तो आप थोड़ा सा ऑल पर्पस फ्लावर ऐड कर सकते हैं, और यदि आपको लग रहा है कि टाइट है तो आप थोड़ा सा बटर यूज कर सकते हैं, लेकिन बटर को रूम टेम्परेचर पे यूज कीजिएगा। किसी भी तरह से इसमें लिक्विड ऐड नहीं कीजिएगा, ना तो आपको वाटर ऐड करना है और ना ही मिल्क ऐड करना है।
इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यदि आप बटर कुकीज बना रहे हैं तो पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और दूध भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसको मिक्स करते वक्त हमें पता चल गया कि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट है वो सफिशियंट है। तो देखिए स्पेचुला पे जितना लगा था हमने उसको निकाल दिया है। अब हाथ से हमें हल्के हाथों से लगाना है डो को, यानी बहुत टाइट डो नहीं बनाना है, हार्डली नहीं करना है, हमें हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है, जस्ट मिक्स करना है, डो नहीं लगाना है। तो देखिए जस्ट इसको मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो सब चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम बनाएंगे कुकीज। देखिए इस तरह से बाइंडिंग होने लग जाए तब तक हमें करना है। तो गाइस हमारा कुकीज का डो रेडी है। बिल्कुल डो नहीं बनाना है, जस्ट मिक्स करना है। इसके बाद हम बनाएंगे इससे कुकीज। तो कोकोनट बटर कुकीज अपने आप में बहुत ही डिलिशियस होता है फ्रेंड्स, जरूर बनाइएगा। हम दो तरह से बना रहे, तो सबसे पहले हम कोकोनट बटर कुकीज बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से जितना छोटा बनाना चाहें, जितना बड़ा बनाना चाहें, उतना पोर्शन आपको उठाना है। ये देखिए हम इसको इस तरह से मीडियम साइज का बना रहे हैं। तो इस तरह से हम बना लेंगे और ये हमने ट्रे के ऊपर बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर लगाने से क्या होता है कि ये ऊपर और नीचे अच्छे से पक जाते हैं, ओवर कुक नहीं होते। तो इस तरह से हम बना के रखते जाएंगे। हमने यहाँ पे यूज किया है लोटस का बटर। लोटस का बटर अपने आप में बहुत ही टेस्टी डिलिशियस होता है और लोटस बटर में बनी हुई कुकीज का टेस्ट भी बहुत दुगना हो जाता है। तो जरूर यूज कीजिएगा लोटस बटर। तो चलिए बना लेते हैं सभी कुकीज। तो फ्रेंड्स हम कुकीज बना रहे हैं, ओटीजी को हमने 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने को रखा है, तब तक हम ये कुकीज बनाकर रेडी कर लेते हैं। देखिए एक और हम बना के आपको बता रहे हैं, इस तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से दबा दबा के करेंगे। इस तरह से हम सारी कुकीज बनाकर बटर पेपर पे रखते जाएंगे। ओटीजी हमारा प्री हीट हो रहा है 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए। तो देखिए हमारे सभी बटर कुकीज बनकर रेडी हैं। आप देख सकते कितने बने हैं। तो एक ट्रे में 12 कुकीज बनकर रेडी है। जब तक ये बेक होते हैं तब तक हम अपने दूसरे कुकीज बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए ये कुकीज हमारे अच्छे से रेडी है। इसके ऊपर हम लगा लेंगे बटर। तो ये मेल्टेड बटर हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, रूम टेम्परेचर वाला बटर अच्छे से लगा देंगे। ऊपर से बटर लगाने पर ये बहुत अच्छा कलर आता है ऊपर, तो अच्छे से हम लगा रहे हैं बटर। उसके बाद हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है डेसिकेटेड कोकोनट। तो देखिए सभी कुकीज के ऊपर हम लगा देंगे बटर अच्छे से। इसे डेसिकेटेड कोकोनट जब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो उस पर चिपक जाएगा
और जब ये बेक होगा तो एक अच्छी से कलर इसमें आ जाएगी। तो देखिए डेसिकेटेड कोकोनट ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं। घर में बनाए हुए ये इन कुकीज का टेस्ट बाजार की कुकीज से भी कई गुना ज्यादा अच्छा होता है। देखिए रेडी हो गया। चलिए हम और बना लेते हैं। तो जितना हमने लिया है उसमें दो ट्रे बनकर रेडी होगा। तो एक ट्रे हमने बना लिया है, दूसरा ट्रे भी हम रेडी कर लेते हैं। हमारा ओटीजी प्री हीट हो रहा है, तब तक हम सारी कुकीज बनाकर रेडी कर लेंगे। तो दूसरे ट्रे में भी हमने बटर पेपर लगा दिया है। पोर्शन ध्यान रखिएगा, उतना ही लीजिएगा जितनी बड़ी आपको कुकीज बनानी है। तो देखिए दूसरे ट्रे में 6 कुकीज बनकर रेडी है, यानी जितना इंग्रेडिएंट लिया था हमने उसमें 18 कुकीज टोटल बनकर रेडी है। ओटीजी हमारा 180 डिग्री 10 मिनट प्री हीट हो चुका है। तो पहला वाला ट्रे हम रख देते हैं। ओटीजी हमारा प्रीहीट हो चुका है, अब इसे 180 डिग्री पे 25 मिनट के लिए सेट कर देंगे और हमारी कुकीज़ को मिडिल रैक पे रख देंगे। 180 डिग्री 20 to 25 मिनट्स, टोटल 25 मिनट्स हम सेट कर देते हैं। तो चलिए इसको हम बेक होने देते हैं। देखिए कितने अच्छे से बेक हो रहा है ये और कितनी अच्छी राइजिंग है। तो फ्रेंड्स 25 मिनट हो गए हैं और हमारी कुकीज बनकर रेडी है। कोकोनट बटर कुकीज अमेजिंग टेस्टी और डिलिशियस। इसे आप पैक करके रख सकते हैं, ठंडा होने देते हैं इसको और अपनी सेकेंड जो ट्रे है उसे भी लगा देंगे। 180 डिग्री 25 मिनट। तो हमारा सेकंड बैच रेडी हो रहा है 180 डिग्री पे, 25 मिनट में रेडी हो जाएगा। और फर्स्ट बैच हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम बना लेते हैं अपना चॉकलेट का मिक्सचर। तो यहाँ पे हमने डार्क चॉकलेट लिया है अमूल का। तो इसको देखिए हमने बॉयलर पे, डबल बॉयलर पे अच्छे से ये देखिए मेल्ट कर लिया है और इसमें ऐड कर देंगे कोकोनट ऑयल। तो ये कोकोनट कुकिंग ऑयल है, तकरीबन 1 टेबल स्पून ऐड किया हमने, इससे अच्छा ग्लेज आ जाता है। तो ये कुकीज हमारी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई है। तो चलिए इसको कोट कर लेते हैं। तो कुछ कुकीज को हम चॉकलेट में डिप करेंगे और कुछ कुकीज को हम प्लेन रखेंगे। तो दोनों तरह की कुकीज बनाएंगे, आप देखेंगे कि दोनों ही खाने में अपने आप में बहुत डिलिशियस होता है। ये देखिए इस तरह से कोट कर लेंगे और फिर बटर पेपर हमारा रेडी है उसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए इस तरह से कोट कर लेंगे चॉकलेट से और बटर पेपर पे रख लेंगे। सारी कुकीज बन जाए तो हम इसे फ्रिज कर देंगे, तकरीबन 1 घंटा फ्रिज कर देंगे। तो ये चॉकलेट अच्छे से जम जाएगा। ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे डेसिकेटेड कोकोनट। तो फ्रेंड्स टोटल 18 पीस यानी 18 पीस बने हैं, जिनमें से 5 पीस को हमने चॉकलेट से कोट किया है। तो देखिए हमारा सेकंड बैच भी बनकर रेडी है।
कोकोनट बटर कुकीज़। इसको ठंडा कर लेते हैं। देखिए ठंडा हो रहा है, अभी बहुत गर्म है, तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं। तो हमारे कोकोनट बटर कुकीज़ ठंडे हो गए हैं, देखिए कितने अच्छे से बेक हुए हैं, बहुत ही टेस्टी हैं और बहुत डिलिशियस है। कोकोनट जिनको भी पसंद है उनको ये कुकीज़ बहुत पसंद आने वाली है, और जिन्हें नहीं पसंद है वो भी एक बार खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। देखिए कोकोनट बटर कुकीज़ अमेजिंग, टेस्टी, डिलिशियस। इसको एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखिए, आप 1 महीने तक इसे खा सकते हैं। अपने त्योहारों पे ज़रूर बनाइए ये कुकीज़, और आने वाले मेहमानों को ज़रूर दीजिए चाय और कॉफ़ी के साथ में। बहुत ही टेस्टी होता है देखिए, और बिल्कुल सॉफ्ट है, मुंह में घुलने वाला। देखिए दोनों साइड से आप देखेंगे खूब अच्छे से बेक हुआ है, और ये जो क्रैक्स आते हैं ये क्रैक्स बताते हैं कि कुकीज़ कितने अच्छे से परफेक्टली बेक हुआ है। राइजिंग आप देख सकते हैं कितना ये फूला है, तो दोनों चीज़ें आप अच्छे से देख सकते हैं। इस तरह से आप घर पर ही बना सकते हैं कोकोनट कुकीज़। और ये देखिए हमारे चॉकलेट कोटेड कोकोनट कुकीज़ तैयार है, ठंडा हो चुका है, ये देखिए फ्रिज से निकाल लिया हमने। अब इसको आपको जब भी परोसना है तभी निकालें फ्रिज से, गर्मियों के मौसम में ये जल्दी मेल्ट हो जाता है चॉकलेट, इसलिए जब आपको परोसना है तभी निकालें। सर्दियों के मौसम में आप इसको निकाल के रख सकते हैं, ये मेल्ट नहीं होगा। तो तैयार है हमारा चॉकलेट कोटेड कोकोनट बटर कुकीज़। इतना अमेजिंग है कि आप तो इसे एक बार में चट करने वाले हैं, तो जल्दी से बना लीजिएगा फ्रेंड्स चॉकलेट कोटेड कोकोनट बटर कुकीज़। बच्चों को बेहद पसंद आने वाला है ये चॉकलेट कोटेड कोकोनट बटर कुकीज़, और आपके मेहमानों को भी बेहद भाएगा ये चॉकलेट कुकीज़। देखिए हम आपको तोड़ कर बताते हैं। देखिए चॉकलेट जब जम जाता है तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन अंदर जो कुकीज़ है वो कितना सॉफ्ट है। तो देखिए ये तैयार है हमारे चॉकलेट कोटेड कोकोनट बटर कुकीज़। तो तैयार है फ्रेंड्स हमारा चॉकलेट कोटेड कोकोनट बटर कुकीज़। बटर है लोटस का, चॉकलेट है अमूल का, तो ज़रूर बनाइए अमूल के चॉकलेट से कोकोनट बटर कुकीज़। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से बना लीजिए ये कोकोनट बटर कुकीज़। तो फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। जो लोग चुपके चुपके चले जाते हैं चुपके चुपके मत जाइए प्लीज, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। बने रहिएगा मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ, और बनाते रहिएगा अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। मैजिक किचन, स्वाद का जादू, याद रखिएगा। फिर लाएंगे आपके लिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। चलें बनाते हैं और नए प्रोग्राम, और लाते हैं और नई रेसिपीज आपके लिए। आपका प्यार यूं ही बरसता रहे मैजिक किचन ऑफ कृष्णा में, और बनाते रहें आप अच्छी अच्छी रेसिपीज, और जगाते रहे स्वाद का जादू।